हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एक नया अपडेट लेकर के आया हूं। और दोस्तों आरपीएससी ने यहां पर जो प्रेस नोट है वो जारी किया है, और आप देख सकते हैं कि ये 14/8/2024 का है, यानी कल शाम को ये जारी किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर क्या नोटिस जारी किया गया है वो पूरा आपको जानने के लिए जो ये वीडियो है शुरू से अंत तक देखना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने आ चुकी है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस है ये आरपीएससी का। इसमें दोस्तों जो संस्कृत शिक्षा विभाग है उसका जो कॉलेज लेक्चरार का जो वैकेंसी आया था अभी, और उसमें जो फॉर्म भरवाए गए थे उनमें जिन कैंडिडेट के पास में यहाँ पर क्वालिफिकेशन नहीं था उन कैंडिडेट को 1/8/2024 से 10/8/2024 के बीच में जो अपना फॉर्म है वो वापस यानी कि लेने का यहाँ पर विड्रॉ बटन का जो ऑप्शन है वो दिया गया था कि जिन कैंडिडेट ने बिना योग्यता के अगर फॉर्म भर दिया है तो वो अपना जो फॉर्म है जो विड्रॉ है वो कर सकते हैं। और अगर अब जो यहाँ पर जो नोटिस जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि वो जो 16 कैंडिडेट जिन्होंने अपना यहाँ पर फॉर्म विड्रॉ नहीं किया है उनकी यहाँ पर जो डिटेल है वो जारी की गई है कि वो जो है अब 16/8/2024 तक 11 बजे तक अपने जो मूल शैक्षणिक योग्यता के जो दस्तावेज है उनके साथ में जो आरपीएससी कार्यालय है वहाँ पर उपस्थित होना है। और अगर वो उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ़ जो बीएनएस की धारा 217 है उसके अंतर्गत यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। और दोस्तों वो जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर बताई गई है कि कौन कौन से वो कैंडिडेट है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये जो पहला जो कैंडिडेट है उसने लगभग 15 पोस्टें यहाँ पर भरी है, और यानी कि 15 पदों पर यहाँ पर यानी कि 15 फॉर्म हो चुके हैं, 15 फॉर्म इसने भर दिए। जो दूसरा कैंडिडेट है उसने लगभग 14 फॉर्म भरे। तो ऐसे करके पूरी लिस्ट यहाँ पर बताई गई है कि किस कैंडिडेट ने कितने फॉर्म यहाँ पर भरे हैं, उनका डी ओ भी यहाँ पर बताया गया है, और उसका कैंडिडेट का नाम और पिता का नाम यहाँ पर बताया गया है। इन 16 कैंडिडेट को एक और मौका दिया गया है कि ये अपने जो मूल दस्तावेज है उनके साथ में जो आरपीएससी कार्यालय है वहाँ पर पहुँचे और इसकी सूचना दे कि हमारे पास में ये जो योग्यता है तभी उन्होंने फॉर्म भरा है। और अगर दोस्तों ये नहीं जाते हैं और इनके पास योग्यता नहीं है फिर भी इन्होंने विड्रॉ नहीं किया है तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आरपीएससी इस मामले पर काफ़ी एक्टिव है। पहले जो साधारण आरपीएससी जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज शिक्षा विभाग की उसमें भी जो है यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया था विड्रॉ बटन का, और इसमें भी दिया गया क्योंकि दोस्तों उसमें लगभग एक कैंडिडेट ने 40 से 42 फॉर्म यहाँ पर भरे थे और उसको देखते हुए उन्होंने ये मौका दिया था कि विड्रॉ कर ले, और उसमें काफ़ी कैंडिडेट ने विड्रॉ भी किया था और जिन्होंने विड्रॉ नहीं किया उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की गई थी। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म भर रखा है वो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में यहाँ पर पहुँचे, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।